हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। लार्सन एंड टूब्रो एक भारतीय कंपनी जिसका नाम विदेशी है। इस कंपनी की स्थापना 7 फरवरी 1938 को मुंबई में हैनिंग होल्च लार्सन और सोरेन क्रिस्टियन टूब्रो ने की थी। दोनों दोस्त डेनमार्क के रहने वाले थे। दोनों को एक प्रोजेक्ट के तहत इंडिया भेजा गया था। यहां आकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना कोई कारोबार शुरू किया जाए, जिसके बाद स्थापना हुई LNT की, यानी लार्सन एंड टूब्रो। शुरुआत में कंपनी डेयरी प्रोडक्ट्स का कारोबार करती थी। इसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग गई, तो ये काम बंद करना पड़ा क्योंकि इनका सामान डेनमार्क से आता था। इसके बाद इन्होंने पानी के जहाजों के रिनोवेशन का काम करना शुरू किया। 1940 में LNT की किस्मत खुल गई और इनको टाटा ग्रुप का एक प्रोजेक्ट मिला, जिसमें LNT को सोडा स्टैंड बनाना था। उस समय टाटा भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी। हालांकि पहले ये प्रोजेक्ट एक जर्मन कंपनी को दिया गया था, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण उस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया था और ऐसे में ये आ गिरा LNT की झोली में। इस प्रोजेक्ट को समय से पहले खत्म करके ये कंपनी पूरे इंडिया में छा गई। 1962 में टूब्रो ने रिटायरमेंट ले लिया और 1978 में लार्सन ने। दोनों की मेहनत से ये कंपनी भारत की नंबर 1 इंजीनियरिंग कंपनी बन गई। अभी ये कंपनी कंस्ट्रक्शन के लिए नंबर 1 मानी जाती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और स्टैच्यूज के कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टूब्रो को ही दिए जाते हैं। दिल्ली का लोटस टेम्पल हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट हो या स्टैचू ऑफ यूनिटी, सभी LNT ने बनाया है। इस वक्त कंपनी के चेयरपर्सन AM नाइक जी हैं। इस कंपनी को ऊंचा मकाम हासिल कराने का श्रेय इनको ही जाता है। 1965 में एक सिविल इंजीनियर के तौर पर नाइक की ज्वाइनिंग इस कंपनी में हुई थी और 1999 तक ये कंपनी के मैनेजिंग CEO डायरेक्टर बन गए। 2012 में फोर्ब्स ने इस कंपनी को दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी बताया था और 2020 में इस कंपनी को बिजनेस स्टैंडर्ड्स द्वारा कंपनी ऑफ द ईयर के लिए भी चुना गया है।